जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन सब में ऐसे फनकार हैं जो एक दूसरे पर बहुत सख्त एलिगेशंस, अनफाउंडेड एलिगेशंस एंड एक्चुअल एलिगेशंस दोनों लगा रहे हैं। तो ये चीजें मुल्क को आगे इतना नहीं होना चाहिए, जितना हाइप पाकिस्तान में फायर लग गया ना सिस्टम के अंदर वो गलत है, ये होना नहीं चाहिए नहीं, आपको। उन लेकिन फनकारों की सियासत ही उसी फनकारी पे चल रही है ना नुमान साहब, उनकी ना कॉम्पिटेंस है ना कोई और चीज है, वो खुशामत पे और फनकारी पे तो सियासत है। अरे साहब आपको बताऊं कि मुझे इतना पता है कि मेरे जो दो कॉलीग बैठे हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के, इसमें जितना कोई आदमी पीटीआई के खिलाफ इनकी पार्टी में बात करता है ना, जितने एग्रेसिवली बात करता है उतनी उसकी लीडरशिप उसको पसंद करती है। एक तो ये बात, दूसरी आपने बात की कि सब लोग अपने आईन के दायरे में रहे, एग्री दायरे में रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मिनिस्ट्रीज, राणा साहब और खार साहब भी समझते होंगे, मिनिस्ट्रीज के अंदर भी इतनी कैपेसिटी खराब हो गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री हो या एनर्जी मिनिस्ट्री हो या और मिनिस्ट्री जो फाइनेंस हो, इन सब के अंदर प्रोफेशनल तो बैठा ही नहीं है। अच्छा वहां कैपेसिटी खराब होगी, जब सब कुछ खराब हो जाता है तो फिर एक दो अदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो बेहतर चलते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर वाला सर्वाइवल के लिए उसने बड़ा मेहनत करनी है, सही प्रोफेशनलिज्म करना है, फाइनेंस वाला भी सही रखना है, मार्केटिंग वाला, सप्लाई चेन, आप जो कहते हैं ना फ्यूल गलत है टाइम पर नहीं आया, ये सप्लाई चेन मास्टर्स से करते हैं, पीएचडी करते हैं, आपकी मिनिस्ट्री में एक मास्टर से पीएचडी वाला बैठा नहीं सप्लाई चेन वाला, तो आप क्या चीजें करेंगे, सियासतदान मिनिस्टर क्या करेगा। तो जब ये चीजें खराब मिनिस्ट्री में होती हैं तो मिलिट्री को इंटरवीन करना पड़ जाता है, मिलिट्री उसकी हम खुद ही कहते हैं मिलिट्री इंटरवीन करने शुरू, आईनी दायरे में रहना चाहिए, लेकिन पहले आप अपना सरकारी अफसरों को कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग सही लोग तो सिलेक्ट करें ना, वही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, फिर हम कहते हैं कि मिलिट्री आ गई, मिलिट्री तो मजबूर है। अब मिलिट्री आपने, मैंने बात की आपके न्यूट्रल की बात की, मैं न्यूट्रल क्या, हम तो कहते हैं न्यूट्रल हो जाए, 100 दफा न्यूट्रल तो माइंड ही नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि जी आप कभी फर्स्ट गियर तो जैसे अब रिवर्स गियर, और वो भी 4x4 के साथ लगा दिया रिवर्स गियर, करवा दिया पाकिस्तान को अभी कर जाएगी कि क्या होने हो क्या गया, पाकिस्तान की बेहतरी के समझदार लोग हैं, मिलिट्री वाले भी बड़े समझदार लोग हैं, वो समझ जाएंगे।